subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाया था उसमें उसका जो है तो फॉलोअप लेंगे, और उसमें आज जो है तो हम लगभग 2 से 3 स्टॉक ऐड भी करेंगे। तो हमने देखा इसमें हमने लगभग 1 से 2 बार शायद एडिशन की है, और ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। इसमें हम हर एक स्टॉक में लगभग ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो। और हमने लगभग 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टॉक ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं इस पोर्टफोलियो में। हमने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट की थी लगभग 76,700 रुपीज़ की, जो कि अभी मार्केट के जो फॉल आया उसकी वजह से अभी 68,400 रुपीज़ बची है, लगभग 11% नीचे। और यहाँ जब देखोगे आप तो हमने यहाँ स्टॉक ऐड किए थे लास्ट टाइम कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारे पूरे लिस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा 1% ऊपर है, उसके बाद में कोलगेट पामोलिव फ्लैट पॉजिटिव है, और यहाँ जो है तो कैनरा बैंक लगभग 2% नीचे है, बायोकॉन लगभग 6.5% नीचे है, ICICI लोम्बार्ड लगभग 9% नीचे है, निप्पॉन लाइफ 15% नीचे है, और पिरामल और डॉक्टर पैथलैब लगभग 30% नीचे है। तो जो मार्केट में फॉल आया था उसकी वजह से यहाँ जो है हमारे 3 से 4 स्टॉक जो है तो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें ऑलरेडी हमने सेलिंग देख चुके हैं, और कुछ जो है तो अभी आउट परफॉर्म करने शुरू कर दिया है, कोलगेट पामोलिव और बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहाँ जो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ लगभग 30-30% के लॉसेस होते हुए भी हमारा जो एग्रीगेट लॉस है पोर्टफोलियो पे वो सिर्फ 11% है। तो ये रहता है फ़ायदा डाइवर्सिफिकेशन का, यहाँ जो है तो कोई स्टॉक नेगेटिव में है तो कोई पॉजिटिव में रहता है, तो उसकी वजह से जो है तो पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है। अभी यहाँ आज जो है तो हम लगभग 3 स्टॉक ऐड करने वाले हैं, तो उसमें से पहला जो स्टॉक रहेगा मेरा वो रहेगा बर्जर पेंट। तो इसका पहले चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो ये जो है तो लगभग 850 रुपये के लेवल से अभी जो है तो 573 पे ट्रेड कर रहा है, और ये 200 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ ये ओवरसोल्ड लग रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में इसमें अच्छे खासे गेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। मंथली चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ जो है तो 50 मंथ का जो एवरेज है उसके अराउंड ट्रेड कर रहा है, और ये ओवरसोल्ड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले दिनों में आपको बर्जर पेंट में अच्छे खासे गेंस दिखाई दे सकते हैं। तो इसको ऐड करेंगे हम 573 के रेट से, तो चलो ऐड करते हैं बर्जर पेंट। और इसमें जो है तो हम 10,000 के स्टॉक लेने वाले हैं, तो 10,000 / 573 तो लगभग 17 स्टॉक आएंगे बर्जर पेंट, और इसको ऐड करेंगे हम फ्राइडे के डेट से, और ये 17 क्वांटिटी 573 का प्राइस NSE ऐड स्टॉक। तो एक स्टॉक ऐड कर दिया हमने, यहाँ देखिए ये बर्जर पेंट जो 573 के रेट से हमने ऐड कर दिया इसमें। अभी दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा लुपिन, तो इसका चार्ट देख लेते पहले। तो मंथली चार्ट पे आप अगर देखोगे तो यहाँ डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा है हमें मंथली चार्ट पे, और यहाँ जो है तो ओवरसोल्ड रीजन में इंडिकेटर्स है, तो इसको हम ऐड करेंगे। ये तो लॉन्ग टर्म होराइजन, तो 640 के रेट से 641 के रेट से ऐड कर देंगे इसको। तो दूसरा स्टॉक रहेगा लुपिन, इसको 15 क्वांटिटी रहेंगी हमारी, अभी इसका 641 का रेट है, तो 10,000 / 641। तो एक काम करते हैं 16 स्टॉक ऐड कर देते हैं उसमें, क्योंकि पिछले इसके कुछ पैसे बचे थे, तो इसको 16 कर देते हैं, 641 का रेट NSE ऐड स्टॉक। तो यहाँ लुपिन भी ऐड हो गया, तो आप यहाँ देखोगे इसमें 10,256, तो इसमें थोड़ा सा कम हुआ था 9,741, तो इसमें एडजस्ट कर लिया हमने। तो जैसे मैंने कहा था थोड़ा सा 10,000 के अराउंड हम ऐड करेंगे, और ये अभी कितने स्टॉक बन गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक स्टॉक ऐड करेंगे हम इसमें, HDFC AMC,
लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसका रेट चल रहा है 1897, लगभग 1898 रुपीज़ का। और आप यहाँ देखोगे तो ये लगभग उसका हिस्टोरिक लो है, उसके पास में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ इंडिकेटर वाइज ये ओवरसोल्ड लग रहा है मुझे मंथली चार्ट पे। यहाँ जो वीकली चार्ट है वहाँ मुझे लगता है कि यहाँ एक बॉटम बन चुका है, और यहाँ से जो है तो HDFC AMC जो है तो ऊपर ही जाना चाहिए। और यहाँ मुझे इसमें वैल्यू दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो जो है हमारा ये कम से कम 3 से 5 साल के व्यू से है, तो इसमें हम मोस्टली वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले हैं। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं HDFC AMC, तो देखते हैं अभी 10,000 में कितने आएंगे। 10,000 डिवाइड बाय 1898, तो लगभग 5 स्टॉक आने वाले हैं। तो इसको हम ऐड कर देते हैं 5 स्टॉक, तो हमने 5 स्टॉक ऐड कर दिए। आज हमने 3 स्टॉक ऐड किए, एक बर्जर पेंट, एक लुपिन, और तीसरा जो था तो वो था HDFC AMC। अभी यहाँ हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 11 स्टॉक में, लगभग 1,06,000 रुपये, 1,06,238 रुपये। और उसका जो रिटर्न चालू है पोर्टफोलियो का, वो लगभग चालू है 8%। आप देखिए हमने सिर्फ 3 स्टॉक ऐड किए, वो उसमें कुछ गेंस नहीं, फिर भी हमारे जो पोर्टफोलियो का जो -11% था वो आ चुका है नीचे 8% पे। यह जो है तो ये ही रहता है, ये डाइवर्सिफिकेशन का कैलकुलेशन रहता है। इसमें हमारे जो लॉसेस है वो लगभग जो लॉसेस है यहाँ देख सकते हैं कि हम टोटल लॉसेस दिख सकते हैं कि हम टोटल लॉसेस हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो टोटल लॉसेस है यहाँ 106,238 - 97,882, तो लगभग 8,850 रुपये का लॉस चल रहा है हमारे पोर्टफोलियो में। तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, तो इसका जो है तो इसमें हम बीच बीच में फॉलोअप लेते रहेंगे और देखेंगे। और इसमें जैसे मैंने कहा कि हम मैक्सिमम 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं, और वो भी मोस्टली हम FNA के जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके बाहर नहीं करेंगे। और ये पोर्टफोलियो लगभग 10 से 20 स्टॉक का बन सकता है। ऑलरेडी अब हम 11 तक पहुंच चुके हैं, इसमें और एक 10 स्टॉक ऐड कर सकते हैं हम। और इसको जो है तो हम इसको इसकी चर्निंग भी करेंगे, मतलब किसी स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो निकाल के, अगर हमें लगता है कि इसका टारगेट अच्छा हो चुका है तो वो निकाल के हम जो ऑलरेडी लॉस में है, या फिर कोई क्वालिटी स्टॉक जो नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसमें एवरेज आउट करेंगे, या फिर नया स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो बाद में देखेंगे, अभी तो कोई फिलहाल इतना कोई प्रॉफिट भी नहीं है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन आप सब भी जानते हैं। मगर हमने ये एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था लगभग 5-6 महीने पहले, और उसमें अभी 11 स्टॉक ऐड हो चुके हैं, और इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है लगभग 1,10,000 रुपये के अराउंड। और उसमें जो लॉस चल रहा है पोर्टफोलियो का वो चल रहा है लगभग 8% का। तो इसका फॉलोअप लेते रहेंगे, और आप जो है तो ये पोर्टफोलियो को फॉलो करके आप सीख सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से काम करता है। और आप जो है तो डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद, या फिर पेशेंटली इन्वेस्ट करने के बाद, किस तरह से एक वेल्थ जनरेट कर सकते हो, उसके लिए ये हमने एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया है, और इसका हम फॉलोअप बीच बीच में लेते रहेंगे। तो आज हमने 3 स्टॉक ऐड किए हैं, बर्जर पेंट, लुपिन और HDFC AMC। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे चल के भी, और अभी यहाँ 11 स्टॉक है। सो देखते हैं आगे किस तरह से हमें परफॉर्मेंस मिलता है। और इसमें कुछ स्टॉक जो है तो क्वालिटी पे लिए गए हैं, कुछ स्टॉक जो है तो वैल्यू पे लिए गए हैं, तो इसका आपको पता भी चल जाएगा कि वैल्यू बीट करता है मार्केट में या फिर क्वालिटी।
सो आई होप सो कि ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और जो भी हम जो स्टॉक ऐड कर रहे हैं, तो ये आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें आपको एक हेल्प करेंगे, आपका पोर्टफोलियो बनाने में आपको एक थोड़ा सा आइडियाज देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे पेड सर्विस जो है तो ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।